तारीफ उस खुदा की जिसने इस्लाम को सिरात मुस्तकीम बनाकर हमारी बख्शिश का जरिया बनाया। उलूम के चश्मों से तशनगा ने इल्म मारफत को सैराब किया और दीन को पायदार मुस्तहकम बनाया ताकि कोई इस पर गालिब ना आए और न ही इस दीन पर हमला कर सके। भाइयों, जान लो मारिफत खुदा के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है और वो मुख्तसर और सीधा रास्ता है। जो भी इस राह पर कामसन रहा मंजिल तक पहुंचा और कामयाब रहा। जिसने भी इस राह से रूगर्दानी की वो गुमराह हुआ। आकिबत में नदामत और पशिमानी के सिवा उसके हाथ कुछ ना आएगा। मुझसे सुन लो और कबूल करो। खुदा ने हिकमत का दरवाजा अहले बैत के लिए खोला है और इस दीन की रहनुमाई के लिए हमारे आबाओ अजदाद को मुंतखब किया है। बस खुदा से पनाह मांगो और खुदा जल्ले जलाला से गाफिल ना हो। मैंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने पितरे बुजुर्गवार से और इसी तरह मेरे जद अमीर उल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब ने मोहम्मद मुस्तफा के जिन पर अल्लाह का दुरूद और सलाम हो से नकल किया है कि आपने फरमाया, एक दिन जिब्राइल अमीन ने आपसे सरगोशी करते हुए इन कलामात को बयान फरमाया कि खुदा फरमाता है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा पायदार कला है। जो भी इस कले में दाखिल हुआ उसने अल्लाह के अजाब से अमान हासिल किया। लेकिन भाइयों, इस कले में दाखिल होने के लिए कुछ शराइत है। कबूल विलायत आइमा इन शराइत में से है। वस्सलाम।